जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। तो यारो, Google Pixel 6a फाइनली लॉन्च हो चुका है। चलो शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से। यहाँ पर आपको 6.1 इंच का एक फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले मिल जाएगा। हालांकि कोई भी हायर रिफ्रेश रेट आपको नहीं मिलेगा, 60Hz का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। कोई भी TSR भी नहीं है, टच सेंसिटिविटी रेट भी नहीं है। HDR 10 प्लस को सपोर्ट करेगा। 10 बिट के कलर्स हैं, 429 का PPI है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का स्क्रीन प्रोटेक्शन है, और यहाँ पर आपको DCI-P3 कलर गैमट भी मिल जाएगा। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बहुत ही ज्यादा है, पंचोल भी ठीक ही है, चिन बहुत ही कम है। बेजल एज डिस्प्ले देखने में काफी अच्छा लगता है। देखो यार, डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन जाहिर सी बात है इंप्रूवमेंट की जरूरत थी। गूगल को थोड़ा सा यहाँ पर और भी अपना एफर्ट डालना चाहिए था। 90Hz का रिफ्रेश रेट बस कर देता हम लोगों के लिए उतना काफी था, 60Hz का कम लग रहा है, बस यही कमी लगा मेरे को, बाकी सब कुछ अच्छा था। गूगल है तो क्या हुआ, फिर भी यहाँ पर 90Hz कर देता रिफ्रेश रेट, बस यही हम लोगों को चाहिए था। अगर डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट को साइड में रख के बाकी स्पेसिफिकेशंस को देखोगे तो काफी अच्छे लगेंगे आपको। चाहे गेमिंग कर लो, चाहे कंटेंट कंज्यूमिंग कर लो, एक्सपीरियंस काफी क्लियर रहेगा, क्योंकि 429 का PPI है, HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट है, अच्छे कलर्स भी आपको मिल जाएंगे, 10 बिट के कलर्स है तो एकदम नेचुरल आपको वाइब मिलेगा। आउटडोर भी लेके जाओगे तो डिस्प्ले काफी ब्राइट है, आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाएगा, सारे कॉन्टेंट अच्छे से दिखाई देंगे। वैसे गूगल बताए नहीं कि भाई कितना ब्राइटनेस लेवल वो दे रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है, रिव्यूअर्स तो यही कह रहे हैं। कैमरास की बात कर ले तो कैमरास आपको एकदम फाड़ू वाले मिलेंगे। गूगल के कैमरास है यार, गूगल के कैमरास तो नए वाले आईफोन्स को भी पछाड़ देते हैं। जो आईफोन 13 सीरीज के फोन्स हैं, सैमसंग के S21 सीरीज के जो फोन्स हैं, गूगल के कैमरास बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। आप सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा दुनिया जानता है। डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है, 12.2 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। तो भाई एक नंबर फोटोज ले लोगे, एक नंबर वीडियोस ले लोगे, विद गूगल के सॉफ्टवेयर के इंप्रूवमेंट्स के साथ और गूगल के भरोसे के साथ। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है, ये तो आपको कमाल के फोटोज देगा। रात में खींचोगे तो मजा ही आ जाएगा आपको, और कमाल के वीडियोस भी बना लोगे, बहुत मस्त कैमरास है। गूगल सेंसर्स नहीं बताता कि कौन से सेंसर्स यूज करता है वो। अच्छा बात नहीं है। मेन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें तो यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, UFS 3.1 का शो सपोर्ट, LPDDR5 RAM टाइप, 4410 mAh बैटरी, मतलब कि 4410 mAh का, 18 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और सैडली आपको बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं देखने को मिलेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वाकई में आपको नहीं मिलेगा। एंड्रॉइड 12L आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, ये नया वाला है, एंड्रॉइड 12 का भी सक्सेसर है ये। L मतलब कि दोस्तों ये सारे लार्ज स्क्रीन डिवाइसेस के लिए बनाया गया है, जिनमें से स्मार्टफोन भी इंक्लूडेड होते हैं। नया वाला ये एंड्रॉइड वर्जन है, सबसे पहले इसी फोन के साथ डेब्यू किया है। मगर क्यों 5 साल तक आपको एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे, तो भैया स्मार्टफोन चलाओ एकदम बहुत दिनों तक। और यहाँ पर NFC भी मिल जाता है, वाईफाई 6E का भी सपोर्ट है, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 भी मिल जाता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको शायद नहीं मिलते हैं, अगर मिलते होते तो मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूंगा यस और नो के साथ, ठीक है। मुझे लगता है सिंगल स्पीकर के साथ ही आएगा, क्योंकि गूगल इतना मेहरबान नहीं होता है, ठीक है। बस यही है मेन स्पेसिफिकेशंस, और क्या VC लिक्विड कूलिंग नहीं है कुछ भी। परफॉर्मेंस की बात कर ले तो यहाँ पर आपको गूगल का खुद का प्रोसेसर मिल जाता है, गूगल टेंसर, जो 5 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। माली G78 MP12 का GPU मिल जाता है। देखो यारो, परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं होगा, अल्ट्रा ग्राफिक्स पे इजीली गेमिंग कर लोगे, डे टू डे लाइफ में स्मार्टफोन हवा से बातें करेगा, 5G प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन की भाषा में बोलूं तो स्नैपड्रैगन 888 के आसपास का ये परफॉर्मेंस दे देता है, उसी के बराबर का आप कह सकते हो, लेकिन बहुत ही मस्त प्रोसेसर है, कह सकते हो कि उससे बेहतर है कई मामलों में। अब चलो यार बात कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। ये स्मार्टफोन 8.9 mm की थिकनेस के साथ आता है, 178 ग्राम इसका वेट है, मतलब कि स्मार्टफोन पतला है और थोड़ा सा भारी है। अगर आप डिजाइन वाइज देखोगे तो एकदम ऑल टुगेदर फ्रेश डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। कैमरा हाउसिंग चमचमा रहा है, चमकीला हो गया एकदम देखने में, और भाई कहीं ना कहीं आपको फील आ रहा होगा जो कैमरास अलाइन है उनका डिजाइन काफी कुछ हद तक जो अपकमिंग आईफोन 14 सीरीज के फोन होंगे ना, पिल ड्रॉप नॉच और पंचोल के साथ, उनसे मैच करता है ना। ये सिर्फ मेरा इत्तफाक है सोचने का कि सभी लोग यही सोच रहे हैं, मेरे को लग रहा है सभी लोग यही सोच रहे होंगे, लेकिन देखने में काफी अच्छा लग रहा है फोन, एकदम क्लियर, एकदम कह सकते हो क्लासिक लुक्स आपको दे देता है, और भाई इतना प्रीमियम फील दे रहा है ना, कलर्स देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं कि क्या बताऊं मैं। जो बंदा इसको लेगा उसको बहुत प्रीमियम एहसास होता रहेगा, ये फोन काफी प्रीमियम एहसास करवाता रहेगा। गूगल का सिग्नेचर डिजाइन
मीडिया पर देखने को मिल जाता है जो इम्प्रूव्ड वर्जन है। आगे से देखोगे तो आगे से देखने में भी काफी अच्छा लगता है, बेजलेस डिस्प्ले है, बहुत अच्छे लुक्स दे देता है प्यारा वाला। बिल्ड वाइज देखोगे तो ग्लास बॉडी के साथ आता है, एल्यूमिनियम फ्रेम मिल जाता है, आगे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का स्किन प्रोटेक्शन मिल जाता है, IP67 की रेटिंग के साथ भी आता है। तो पानी में गिराओगे तो कुछ भी नहीं होगा, वैसे गिराना मत, स्मार्टफोन को संभाल के रखना, ठीक है? अब चलो यार बात कर लेते हैं मेन मुद्दे के बारे में, यानी कि प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये स्मार्टफोन आज अमेरिकन मार्केट्स में लॉन्च हो गया है। प्राइसिंग की बात कर ले तो केवल एक ही रैम वेरिएंट में डेब्यू किया है फिलहाल, 6GB रैम 128GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 34,800 रुपए। वैसे यार काफी अच्छा प्राइस है, वैसे आपके क्या रिएक्शन है, ओपिनियंस है, कमेंट करके बताना। मजा आया। अब चलो यार बात कर लेते हैं, क्या सुफियान भाई वाकई में ये फोन इंडिया में आएगा, अपने को वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो यार हाँ, ये फोन 100% इंडिया में आएगा, बहुत ही जल्द आपको दिखाई नहीं देगा, आपको दिखाई देगा अक्टूबर के आसपास तक, मतलब दिवाली के आसपास तक। गूगल खुद ही इसको बोल दिया कि इस साल के अंत तक हम लोग आपको दिखाई देंगे गूगल पिक्सल 6a के साथ, मतलब कि अंत बोले तो अक्टूबर नवंबर इसी के आसपास आपको दिखाई देगा। अब रहा सवाल इस स्मार्टफोन का क्या प्राइस हो सकता है इंडिया में, वेट किया जाए कि नहीं किया जाए? देखो यार आपको वेट करना चाहिए, अगर आपको गूगल का एक अच्छा फोन चाहिए था तो आप वेट कर सकते हो, अदरवाइज आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आईफोन्स आपको मिल जाएंगे नए वाले आईफोन 14 सीरीज के, और मोटो एज 30 भी आज लॉन्च हो चुका है, वो भी अच्छा फोन है, रियलमी GT2 है, रियलमी GT Neo 3 है, Xiaomi 12 Pro है, और भी बहुत सारे फोन है यार, OnePlus 10 भी देखने को मिल जाएगा, OnePlus Nord 3 भी देखने को मिल जाएगा, उस वक्त तक आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। लेकिन जिनको गूगल के फोन का इंतजार है भाई, वो तो वेट करेंगे। इंडिया में इसका प्राइस आपको 40,000 रुपए के ऊपर या फिर 40,000 रुपए के आसपास तक दिखाई देगा। आई होप सो कि 40,000 रुपए के अंदर तक रहे या फिर 40,000 रुपए तक रहे, उससे ऊपर ना जाए। वैसे आपको क्या लगता है इंडिया में इसका क्या प्राइस होगा? मुझे तो अभी यही पता चला है, कुछ अगर और अपडेट्स आएंगे इंडियन अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग से रिलेटेड तो मैं आपको टेक न्यूज में तो अपडेट करता ही रहूंगा, तो टेक न्यूज को फॉलो करते रहना। विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.